आपकी आवाज के प्लेटफॉर्म पे आज हम मिल रहे हैं पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत। सुरेश जी, आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। देखिए, 2013 में मैंने भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ा था पुष्कर से, और पुष्कर की जनता ने भारी मतों से विजय बनाकर राजस्थान की विधानसभा में भेजा। लगभग 42,000 वोटों से तिरतारा पुष्कर की जनता ने आशीर्वाद दिया, और हमने भी कोई 5 साल पुष्कर के विकास में कोई कमी नहीं रखी। 2600 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा लागत से तिरतारा पुष्कर में विकास कार्य हुए। इसके अलावा भी हमने बहुत सारे सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं वो भी लागू करी, और ईमानदारी से सच्चाई से हमने जनता की सेवा करी। तो आप बताएं, पुष्कर में 2600 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए, उनमें आप क्या क्या कार्य किया, क्या क्या चीज़ें रही, सड़कों पे, पानी पे, बिजली पे, या पुष्कर के जो आज टूरिज्म प्लेस हब बना हुआ है राजस्थान के लिए, उसमें कुछ विशेष उपलब्धियां क्या रही आपके विकास में? देखिए, 2600 करोड़ रुपए की राशि से जो विकास कार्य हुआ, उसके अंदर सबसे बड़ा काम हमारे जगत पिता ब्रह्मा जी का मंदिर, जो देश और दुनिया में एकमात्र मंदिर है, वहाँ पे 24 करोड़ रुपए की लागत से एंट्री प्लाजा का भव्य निर्माण हुआ। 37 करोड़ रुपए की लागत से हमारे तिरतरा पुष्कर के घाटों का जीर्णोद्धार हुआ। इसके अलावा भी हमारे 12 करोड़ रुपए की लागत से पुष्कर में रोडवे बना, और आज हमारे पुष्कर विधानसभा की एक एक सड़क, लगभग 80% सड़कें हमने बिल्कुल डामर की बना दी। गांवों के अंदर ब्लॉक रोड लगे, गांवों में शौचालय बने, गांवों के अंदर मनरेगा के माध्यम से बहुत सारे जल स्वावलंबन के काम हुए। इस तरह से बिजली, पानी, सड़क से भी ऊपर उठ के आम आदमी का जीवन स्तर ऊंचा कैसे उठे, गांव में साफ सफाई कैसे रहे, उस पर भी हमने काम किया जी। कुछ लाभार्थियों पे आप कुछ आंकड़े अगर आपके पास हो पुष्कर के, जो आप शेयर कीजिए दर्शकों से। हाँ, बिल्कुल, निश्चित रूप से हमारे पुष्कर के अंदर लगभग 80,000 से भी ज़्यादा लाभार्थी हैं, उन्होंने सरकार से प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिला जी। जी, आपके पुष्कर विधानसभाओं से हम देख रहे हैं और भी नाम, अभी काफ़ी कुछ नाम आ रहे हैं सामने, कि क्या आप अपना अपने आप को कैसे रखते हैं, कि आप अपने आप को कैसे साबित करेंगे कि आप ही बीजेपी के लाइक कैंडिडेट है पुष्कर के लिए? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर टिकट मांगना सबका अधिकार है, और मांगना भी चाहिए, ये हमारी स्वस्थ परंपरा है जी। और पार्टी किसको टिकट देती है किसको नहीं देती है, पार्टी और हाईकमान का निर्णय है जी। लेकिन मेरा पक्ष, क्योंकि 5 साल मैंने जनता में सीधा संवाद रखा, विकास कार्य खूब कराए, सरकार की जनकल्याणकारी योजना खूब लाभ दिया, लोगों को व्यक्तिगत काम भी हमने खूब किए, और आज जितने कार्यकर्ताओं का समर्थन और जितनी फौज पुष्कर विधानसभा के अंदर मेरे साथ है, वो किसी के पास नहीं है। क्या आप पुष्कर में समाज के सभी बंदियों के साथ में लेकर काम किया? बिल्कुल, हमारे तिरतराज पुष्कर के अंदर सर्व समाज और सर्व जातियों को और सभी धर्मों को साथ लेके हमने काम किया। सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ हमने 5 साल हमारा स्वर्णिम काल रहा जी। जी, और पुष्कर विधानसभाओं के और विशेष कोई आंकड़े महिलाओं पे या बच्चों पे या स्कूल्स एजुकेशन पे? देखिए, महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना के तहत जी हजारों की संख्या के अंदर माताओं बहनों को गैस का चूल्हा मिला। हमारे स्कूलों के अंदर कमरों की समस्या थी पुष्कर विधानसभा में, लगभग सैकड़ों की संख्या में स्कूलों के कमरे बने, और हमारे युवाओं को रोजगार कैसे मिले उसके लिए हमने रोजगार मेले का भी आयोजन किया। इस तरह से महिला हो चाहे बच्चे हो चाहे विद्यार्थी हो, उस पर हमने काम किया। इसके अलावा भी श्रमिक कार्ड के माध्यम से जो हमारे श्रमिक है, मजदूर लोग है, उनको भी हमने करोड़ों की तादाद में फायदा। तो दीपावली की शुभकामनाएं आप देना चाहें अपने? बिल्कुल, मैं पूरे देशवासियों को मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप सब पे बनी रहे, आपके परिवार में सुख शांति और समृद्धि आए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। चाहे जी, जी, आप थे पुष्कर विधानसभा से MLA सुरेश सिंह जी रावत। सुरेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।